हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय न्यू यूट्यूब चैनल मॉम्स फन विद टीचिंग। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी क्लास टू के बच्चों के लिए मैथ्स की वर्कशीट। बच्चों की अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस वर्कशीट बना करके जो भी टॉपिक आप पढ़ाते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं तो बच्चे ईजिली टॉपिक को समझ पाते हैं और रिविजन कर पाते हैं। आज की वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं जिसकी हेल्प से आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस मैथ्स की करवा सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे नंबर नेम्स दिए हुए हैं, बच्चे को यहाँ पे न्यूमरल्स लिखने हैं, जैसे 49, तो यहाँ पे 49 इस तरीके से नंबर्स लिखने हैं। 62 यहाँ पे लिखेंगे, 62, 34, 24, 68 एंड देन 99। क्वेश्चन नंबर टू है, राइट द करेक्ट नंबर्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो इसको आप कह सकते हैं मेंटल मैथ से रिलेटेड होते हैं, जैसे 46 इज जस्ट आफ्टर। 46 इज जस्ट आफ्टर यानी 46 किसके जस्ट आफ्टर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। 63 इज जस्ट बिफोर। 63 किसके जस्ट बिफोर आता है, तो 64। नेक्स्ट है 89 इज जस्ट बिफोर। 89 किसके जस्ट बिफोर आता है, 90 के, तो यहाँ लिखना है 90। नेक्स्ट है 36 इज बिटवीन डैश एंड डैश। 36 किसके बिटवीन आता है, 35 एंड 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉलोइंग द पैटर्न। यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके पैटर्न को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करते हुए जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है, जैसे है 6, 8, 10, 12। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे 2, 2 का गैप है। 6 के बाद देखिए 7 है, 7 को गैप करके 8 लिखा है, 8 के बाद 1 नंबर स्किप किया है फिर 10 लिखा है, 10 के बाद 1 नंबर स्किप है फिर 12 लिखा है। अब 12 के बाद 13 आता है, 13 को हम छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 14। फिर 15 आता है, 15 न लिख करके 16 लिखेंगे, फिर 17 न लिख करके 18 लिखेंगे। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, यहाँ 15 के बाद 18 है, तो 15 के बाद 16, 17 फिर 18 आता है, तो कितने का गैप हुआ यहाँ पे, 15 के बाद 18 फिर 2, 2 का गैप करके, यानी थर्ड नंबर लिखा गया है, थर्ड स्किप काउंटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा 30 एंड यहाँ पे हो जाएगा 33। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज, राइट द नंबर्स जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इनको देखना है कहाँ पे बिफोर नंबर्स लिखने हैं। जहाँ पे बिफोर लिखना है वहाँ पे बिफोर नंबर लिखना है, जहाँ पे आफ्टर की जगह ब्लैंक है वहाँ पे आफ्टर नंबर लिखना है, जहाँ पे बिटवीन लिखना होगा वहाँ बिटवीन। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर के लिए दिया हुआ है। अब देखिए 18 दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, 18 के जस्ट आफ्टर क्या आता है 19। यहाँ पे बी में क्या है 89 के जस्ट बिफोर 88, 77 के जस्ट बिफोर 76, 56 के जस्ट बिफोर 55, इसी तरीके से 73 के बिफोर 72 एंड आफ्टर हो जाएगा 74। इसी तरीके से हम सब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, राइट द डेज ऑफ द वीक इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में डेज के नेम लिखने हैं, जैसे फर्स्ट डे, फर्स्ट डे क्या होता है, फर्स्ट डे इज मंडे, सेकेंड डे इज ट्यूजडे। स्पेलिंग आप बच्चे को अच्छे से लर्न कराएं। थर्ड डे इज वेंसडे, फोर्थ डे थर्सडे, फिफ्थ डे इज फ्राइडे, सिक्स्थ डे इज सैटरडे,
एंड सेवेंथ डे इज संडे। वीक में सेवन डेज होते हैं, तो फर्स्ट डे जो होता है वो मंडे होता है एंड लास्ट वन यानी सेवेंथ डे इज संडे। इस यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया है, आप इससे बहुत सारी वर्कशीट, अगर आपको डेज से रिलेटेड वर्कशीट बनानी है तो आप इससे बहुत आसानी से ढेर सारी वर्कशीट बना सकते हैं। नेक्स्ट है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म बच्चे को आपने जैसे पढ़ा दिया है तो इस तरीके से वर्कशीट बना सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म या कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर्स जो लिखे हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। 20+3 है तो यहाँ हो जाएगा 23। इसी तरीके से 900+60+4 964, यहाँ पे 639 हो जाएगा, 472 हो जाएगा, 941 एंड 564। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द नंबर। यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, 3 टेंस है एंड 5 वंस है, तो इससे कौन सा नंबर बनेगा, 35। 4 टेंस एंड 0 वंस यानी 40। 7 टेंस एंड 7 वंस 77। 9 टेंस एंड 1 वन इज 91। कंप्लीट द टेबल नंबर्स, लीस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनसे आपको जो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। इसमें से लीस्ट नंबर क्या है, तो लीस्ट नंबर यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 39 एंड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 73। इसी तरीके से यहाँ पे भी 19 एंड 84, यहाँ पे हो जाएगा 47 एंड 79। अगर आपको ये सिखाना है बच्चे को ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे सिखाएं, इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी उस वीडियो को देख सकते हैं और बच्चे को अपने ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन टू सॉल्व द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे क्या दिया, टू मेक द रेक्टेंगल इंटू टू स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है, इस रेक्टेंगल से आपको टू स्क्वायर बनाने हैं। ऐसे कैसे लाइन हम ड्रॉ करें कि टू स्क्वायर बन जाए, तो ये रेक्टेंगल है, यहाँ से हम अगर मिड से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल, तो ये क्या हो गए, टू स्क्वायर बन गए। इस तरीके से आप बच्चे को बना करके दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के करते हैं और उससे इनका मेंटल लेवल जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, वो सीख पाते हैं। टू मेक द स्क्वायर इंटू टू रेक्टेंगल, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, रेक्टेंगल में बनाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करके टू रेक्टेंगल बना लेंगे। टू मेक द रेक्टेंगल इंटू टू ट्राइंगल, यहाँ पे इस रेक्टेंगल से को टू ट्राइंगल में चेंज करना है, तो यहाँ से ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये बन गया टू ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये। क्वेश्चन नंबर 10 इज फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट नंबर। 5 × 7 = 7 × 5, इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 35। 7 × 9 = 9 × 7 हो जाएगा, 9 × 7 = 63। इसी तरीके से 7 × 2 को और क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 = 14। एंड यहाँ पे है 4 × 6 = 6, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 24। 6 × 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8 × 6 = 48। एंड 1 × 8 तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 8 × 1 = 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। 20 यहाँ पे इतने को मैच करना है और इधर इसको मैच करना है, 28 इसमें से कौन सा नंबर इसके इक्वल है, तो 4 × 7 = 28, 90 है, 9 × 10 = 90 एंड 72, 9 × 8 = 72। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 8 है तो 2 × 4 = 8, 0 है, 0 × 8 = 0, 12 × 3 = 12।
इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए प्रैक्टिस वर्कशीट बना करके उनको रिवीजन करा सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।